दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्डों में पानी की किल्लत को लेकर भाजपा पार्षदों ने दुर्ग नगर निगम का घेराव किया। बुधवार के दिन दुर्ग नगर निगम में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है, जब पानी की किल्लत को लेकर दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कई वार्डों के रहवासी और भाजपा पार्षद दुर्ग नगर निगम में पहुंचे और जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी निगम कार्यालय में बड़ी संख्या में मटका लेकर पहुंचे और महापौर कक्ष के सामने विरोध दर्ज करते हुए सभी मटका को फोड़ा। आक्रोशित लोगों को संभालना बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने आक्रोशित थे कि इन्हें संभालना बेहद ही मुश्किल हुआ। इधर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल और विधायक अरुण वोरा ने जनता के बीच आकर जनता की समस्या को सुना, लेकिन कोई उचित आश्वासन जनता को नहीं दिया, जिसे वार्ड के लोगों में और भी आक्रोश भर गया। वार्ड में हो रही पानी की किल्लत को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि जिस तरीके से वार्ड में पानी की सप्लाई महापौर और विधायक के रहते रोकी जा रही है, ऐसी सरकार को आगामी दिनों में उखाड़ कर फेंकने का मन जनता ने बना लिया है। दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा जी और हमारे भाजपा के 20 पार्षद एवं छाया पार्षदों के नेतृत्व में दुर्ग नगर की जनता को महीनों महीनों से पेयजल नहीं मिल पा रहा है। लगातार आवेदन देते थे हमारे पार्षद लोग, जनप्रतिनिधि लोग, फिर दो चार दिन पानी चालू कर देते हैं व्यवस्था करके, फिर उसके बाद फिर से बंद करते हैं। इस प्रकार से दुर्ग नगर निगम के चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस बात को लेकर के दुर्ग की हमारी माताएं, बहनें, जनप्रतिनिधि आयुक्त को आवेदन देने के लिए आए हैं, लेकिन ये वैभवशाली दुर्ग नगर के लिए दुर्भाग्य है कि यहाँ के शासन प्रशासन लोगों को पेयजल पानी देने के बजाय जो असफल विधायक है अरुण वोरा जी, पूरे तरीके से असफल विधायक है, बाकलीवाल जी विधायक के रबर स्टाम्प बन के उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, प्रोटोकॉल अफसर बने हुए हैं, लोगों के समस्या के तरफ ध्यान नहीं दे पाते। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि जब लोगों को पानी मिल रहा है तो हमारी बहनें 45 अंश टेम्परेचर में क्यों अपने घर से बाहर निकल के आई हैं और उसके सामने क्यों इतना चिल्ला रहे हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरुण वोरा जी को शर्म करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई संस्था आंदोलन कर रहे हैं तो वो शासन प्रशासन के लिए कर रहे हैं, उसमें इनको आगे नहीं आना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।